स्टूडेंट ऑल ऑफ यू विषय पे केंद्रित ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड सब्जेक्ट केमिस्ट्री पार्ट 1 टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री. Now you know previous class what is chemistry. Chemistry is the branch of science which deals composition, structures and transformation of energy and others. So definition of chemistry are different types, different writers, scientists. So also chemistry is defined the study of matters or study of atoms and molecules, or it deals with composition, structures and properties of matter. Chemistry क्या है? इसे पिछले क्लास में क्लास 9 क्लास 10 में स्टडी किए हैं. केमिस्ट्री की एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैटर का डिस्कस सब्सटेंस किया जाता है. तो उसकी क्या होता है कंपोजिशन, किस टाइप से बने हैं, किन किन रेशियो से मिलकर वो बने हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब पॉइंट्स इंडिकेट होता है केमिस्ट्री. यू नो आल्सो केमिस्ट्री क्या है, स्टेबल फॉर्म कंपाउंड का है. That means, कोई कंपाउंड है वह अपना ओरिजिनल पोजिशन चेंज कर रहा है एंड समटाइम्स डज नॉट कन्वर्ट इन ओरिजिनल पोजिशन. अगर वह अपने ओरिजिनल पोजिशन में वह नहीं आ रहा तो उस कंसेप्ट को उस सब्सटेंस को कहा जा सकता है कि ये हमारा केमिस्ट्री है. सिंपल एग्जाम्पल्स यू नो मिल्क, मिल्क के हम सब देखते हैं, उसको जब हम कर्ड दही में कन्वर्ट कर देते हैं तो वह एक अलग सब्सटेंस कन्वर्ट होता है जिसकी प्रॉपर्टीज उस मिल्क से क्या डिफरेंट होता है. तो ये कंसेप्ट हमारा है केमिस्ट्री का. अदर भी आप इस कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, आयरन का है, आयरन है कहीं वाटर वेपर के कन्वर्ट कर रख दीजिए या ओपन इन एटमॉस्फेयर में रख दीजिए, क्या हो उस समय के बाद वह धीरे धीरे उसका डीके होने लगता है, उसका परत क्या लेयर का लेयर पर क्या डीके होने अच्छा होने लगता है और उस समय के बाद पिंड हो जाता है. तो क्या सभी लेयर्स कन्वर्ट करके हम आयरन बना सकते हैं? नहीं. तो ये कंसेप्ट हमारा होता है केमिस्ट्री का. सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बहुत डिटेल से है जैसे कि हम सब जानते हैं. उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स हैं. इन क्लास 10 आप स्टडी किए हो कि साइंस ओनली वन सब्जेक्ट एज साइंस, साइंस इसमें आप फिजिक्स पढ़े हो, केमिस्ट्री, बायो. तो साइंस के जो मेन पार्ट्स हैं हम पिछली क्लास में जो स्टडी किया ओनली साइंस, कुछ पार्ट्स सम पार्ट्स फिजिक्स, सम पार्ट्स केमिस्ट्री, सम पार्ट्स बायोलॉजी, बायोलॉजी जियोलॉजी एंड वाटर. इन क्लास 11 सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड एंड कंप्लीट जो पार्ट ऑफ हाई स्कूल में 10th में स्टडी किए थे वहां वो पार्ट एक सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट होता है. इस टाइप से केमिस्ट्री वन सब्जेक्ट, फिजिक्स वन सब्जेक्ट, बायोलॉजी दैट मीन्स जूलॉजी एंड बॉटनी, ये सब आपके अलग अलग चैप्टर्स
जो थे ये हमारे कंप्लीट सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हुए क्लास 11 में। हायर क्लास में जाएंगे जो यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी एक चैप्टर्स की स्टडी हम कर रहे हैं हायर क्लास पर, दैट इज बीएससी एमएससी, तो एक एक पार्ट आपका एक एक सब्जेक्ट होगा और उसके अनेक पार्ट होंगे। तो ये सब इसके स्ट्रक्चर है साइंस क्लास 10 ग्रेड क्लास 10 ओनली वन सब्जेक्ट साइंस एंड डिवाइडेड इनटू फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जूलॉजी एंड बॉटनी, बट इन क्लास 11 आर सेपरेटेड। जो पॉइंट आप क्लास के अंदर एक टॉपिक की कन्वर्ट था वह टॉपिक एक आप क्या है सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी इन क्लास 11 टू टाइप ग्रुप साइंस कन्वर्ट मैथ ग्रुप एंड बायो ग्रुप एंड कॉमर्स ग्रुप, बट इन पर्टिकुलर साइंस ग्रुप मैथ ग्रुप एंड केमिस्ट्री ग्रुप। मैथ ग्रुप क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ विल बी स्टडी एंड इन बायो ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड जूलॉजी विल बी स्टडी। तो ये तो क्या है पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारे मैथ ग्रुप होता है एक बायो ग्रुप होता है, इस तरह से अदर भी पार्ट है कॉमर्स ग्रुप है आर्ट्स ग्रुप है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ईयर क्लास साइंस ग्रुप मैथ ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी, बट इन दिस केस टू सब्जेक्ट आर कॉमन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट भी स्टडी करेंगे, जूलॉजी जो बायो ग्रुप स्टूडेंट है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री यह भी स्टडी करेंगे। सो टू सब्जेक्ट आर कॉमन इन मैथ एंड बायो, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में ये सब चीज को जानना था। नाउ अब आते हैं कम टू पॉइंट्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जैसे डेफिनेशन बताया गया एंड आल्सो केमिस्ट्री की डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल थ्री पार्ट्स है अदर भी पार्ट्स है, जो मेन पार्ट्स है केमिस्ट्री की दिया थ्री पार्ट्स। फिजिकल केमिस्ट्री दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे, कोई प्रिंसिपल होगा जिस पर कैलकुलेशन होगा कंपोजिशन होगा उसमें कितना परसेंटेज कौन सा एलिमेंट कंबाइन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे मिनरल्स हैं ओर्स हैं जो अर्थ से प्रोड्यूस होते हैं पाए जाते हैं वहां से निकाले जाते हैं उनको बनाया जाता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है किस टाइप से उनका स्टडी होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या यूज करना है जितने कंपाउंड्स हैं उनको कैसे बनाया जाता है उनका भी क्या कंपोजिशन होता है, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री का जो पॉइंट है सभी में भी यूज होते हैं। पर्टिकुलर इनको अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका यूज कहां करते हैं डेवा यूज करते हैं जितने आपके मेडिसिन है जिसको मेडिसिन से ये भी और ये भी इसका यूज होते हैं, कैलकुलेशन के लिए इसका यूज होगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि तीनों पार्ट एक दूसरे से अटैच है। सो इंट्रोडक्शन डिफिनिशन सम पॉइंट्स क्लास डिवाइडेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज ए बायो ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी एज ए फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बायो ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड समथिंग केमिस्ट्री थ्री पार्ट डिवाइडेड फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के तीन पार्ट हम डिस्कस करेंगे इस क्लास 11th में क्लास 12th में भी इसी टाइप का होगा एंड